हेलो फ्रेंड्स, गॉर्डन इंडिया जी की क्लासेज में मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन ए सुमन के बेरी, ऑप्शन बी विवेक कोहली, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना और ऑप्शन डी विजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमन के बेरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सुमन के बेरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन ए मुरली नटराजन, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी अजय कुमार सूद और ऑप्शन डी शशि सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अजय कुमार सूद। जी हाँ दोस्तों, अजय कुमार सूद को भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन ए पारुल सिन्हा, ऑप्शन बी आयुषी अग्रवाल, ऑप्शन सी अलका मित्तल और ऑप्शन डी मनीषा ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अलका मित्तल। ONGC की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और इसकी पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? अलका मित्तल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिम प्रहरी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल और ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल। विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसराइल। इसराइल ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्स को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी रायपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्स, जिसको कहां लॉन्च किया गया? नागपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, जिसका अर्थ है हमारे ग्रह में निवेश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लेह लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, सांस्कृतिक विरासत को संग्रहित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जामनगर, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM का उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों के साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाइएगा जिससे आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोमिला जसपाल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ONGC की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पोमिला जसपाल को। दोस्तों इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था अलका मित्तल। और इस क्वेश्चन में है ONGC की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पोमिला जसपाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल RS-28 सरमाट का परीक्षण किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल RS-28 सरमाट का सफल परीक्षण किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका ऑप्शन ए आरती शाह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ रा दोस्तों भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन ए रिपब्लिक एंड एनालिसिस वार, ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस वे, ऑप्शन सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चनों का साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू गेट द अशोक चक्र? तो इसका ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी निर्जा भनोट, ऑप्शन सी आरती शाह और ऑप्शन डी संतोष यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जा भनोट। यस, भारत की प्रथम महिला कौन है जिसको अशोक चक्र मिला था? निर्जा भनोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When is World Diabetes Day celebrated? यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 14th नवंबर, ऑप्शन बी 28th अप्रैल, ऑप्शन सी 27th नवंबर और ऑप्शन डी 11th अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14th नवंबर। यस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नाउन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो इसका ऑप्शन ए आरती शाह, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी,
ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरती साहे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आरती साहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी शहनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। जी हाँ दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर दो बार पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज नाउन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरला। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरला को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी श्री शंकर कुरूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर। यस, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यस, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी केटू या गोडविन आस्टिन, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी पीक ऑफ कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केटू। यस, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या फिर गोडविन आस्टिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार और ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए ड्यूरेंड, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी पाक स्ट्रेस और ऑप्शन डी मैकमोहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ। जी हाँ दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द आर्मर्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, यानी कि सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 7th सितंबर, ऑप्शन बी 3rd अक्टूबर, ऑप्शन सी 15th अगस्त और ऑप्शन डी 3rd अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7th सितंबर। यस, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द अजंता एंड एलोरा काव्स लोकेटेड, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सूरत गुजरात, ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन सी औरंगाबाद महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। और जो कि कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सीआरपीएफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर, यानी कि सीआरपीएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1939। यस, सीआरपीएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1939। और बीएसएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1665। और एनएसजी का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1984। और दोस्तों सीआईएसएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1969। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज जाकिर हुसैन रिलेटेड, यानी कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला। जी हाँ दोस्तों, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज टॉम्ब इज विजय घाट, यानी कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नाउन एज द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का बूढ़ा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, भारत का बूढ़ा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। या दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में। और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। या दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा? तो इसका ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 2 ईयर्स और ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 ईयर्स। या दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा था? 3 वर्षों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी जेड जॉनसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट भूषण और ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेड जॉनसन। यस, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? जेड जॉनसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस के बाद वन लाइनर क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नाउन एज डायमंड हार्बर ऑफ इंडिया, यानी कि
भारत का डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, भारत का डायमंड हार्बर के नाम से कैसे जाना जाता है? कोलकाता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। यस, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? ताजमहल। और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डे ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि विश्व कैंसर दिवस कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। यस, विश्व कैंसर दिवस कब आता है? 4 फरवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड, यानी कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यस, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वुल्लर। जी हाँ दोस्तों, वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।